पुलिस महानिदेशक CBCID उत्तर प्रदेश लखनऊ, नोडल अधिकारी कानपुर नगर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर रिजर्व पुलिस लाइंस सभागार कानपुर नगर में निरीक्षण, भ्रमण और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए उसके तहत वो अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहा है और साथ ही उसको सुधार करने के लिए भी वो पूरी तरह से कार्यरत है, प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें अवश्य ही उनके प्रयासों से सफलता अवश्य मिले। आप कानपुर को कितने नंबर देते हैं 3 दिन के अंदर? आप कितने नंबर देते हैं? मैंने कहा आपकी रिपोर्ट में लिखेंगे सर। अमूमन जो नया बैच आया है सिपाही का, जो नए रंगरूट है उनकी अमूमन वीडियो वायरल होती है जनता से बदतमीजी करने का, जो नया रंगरूट है 16-17 बैच के, उनको क्या गाइडेंस की जाएगी जो आप लोगों के द्वारा जो जनता से बदतमीजी करते हैं? तमाम स्कीम्स हैं, ट्रेनिंग की स्कीम्स हैं, अपने सिर्फ उनके लिए अपने तो बोलने को उनके लिए भी तमाम काउंसिलिंग की ट्रेनिंग की स्कीम्स है और उसके तहत उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, सॉफ्ट स्किल में ट्रेन किया जा रहा है, जगह जगह कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि इस तरह के बिहेवियर ना होने पाए। नंबर एक तो ये बात होगी। नंबर दो, जहाँ भी इस तरह की शिकायतें आती हैं उसमें स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है, स्थानीय अधिकारी की जिम्मेदारी हो जाती है कि कोई भी इस तरह की घटना सामने आती है तो जाँच कराता है, जो भी दोषी पाए जाते हैं उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी विभागीय नियमों के तहत। कानपुर में ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लागू हो सकता? ये तो स्थानीय अधिकारी इस पर निर्णय क्योंकि मंडे से ट्यूसडे बहुत हेवी रश रहता है, एक सैटेलाइट नहीं हफ्ते में अगर एक दिन भी कर दिया कितना है PA News से धर्मेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट।